नमस्ते इंडिया, शारदा चंद्र की पाकशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्रेड। वैसे तो आपने ग्राउंडनट का भी स्प्रेड लिया होगा, अमूल का, काफी आते हैं स्प्रेड ब्रेड पे लगाने के लिए, बच्चों के लिए, सभी खाते हैं। लेकिन आज हम बनाएंगे कैरेट स्प्रेड। तो हमने लिया है ये गाजरें, जो भी सिंपल गाजरें रेड वाली आती हैं उनको लिया है हमने। आप कितने भी क्वांटिटी ले सकते हैं। और इसको हम बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस कर लेंगे इसके। तो हमने सारी गाजरों का पतले पतले स्लाइसेस कर लिए हैं। और अब हम एक पैन गरम करेंगे, उसमें सभी गाजरें डाल देंगे। ये गाजरें हम सारी पैन में डाल देंगे। गैस को थोड़ा सिम पे रखेंगे। इसमें हम डालेंगे छोटा 1 चम्मच अदरक, कद्दू, चुटकी भर लाल मिर्च, नमक। इसे हम नमकीन ही बनाएंगे स्प्रेड। काला नमक थोड़ी डालेंगे, काली मिर्च चुटकी भर। और पानी की जगह हम इसमें डालेंगे संतरा, संतरे का रस डालेंगे। इसे हम सोटे कर लेते हैं। अब हम इसे 15-20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। जब तक इसका सारा संतरे का जूस जो है वो सूख जाएगा एकदम से, और गाजर सॉफ्ट हो जाएगी। तब 10 मिनट हो गए हैं, देखते हैं गाजर। वाओ, एकदम सूख गई है, देखो ऑरेंज भी सूख गए हैं और हमारी गाजर भी, ये देखो सॉफ्ट हो गई है। और इसमें अब हम डालेंगे बटर। बटर डाल के इसे सोटे कर लेते हैं। अब गैस को बंद कर देते हैं और अब इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। गाजर हमारा ठंडा हो गया है। अब इसे हम मिक्सी जार में डाल लेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, और बस थोड़ा भुना हुआ जीरा, और इसे मिक्सी में चला लेंगे, पेस्ट बना लेंगे इसका अच्छे से। तो ये देखिए हमारा कितना मुलायम, सॉफ्ट, मक्खन जैसा बढ़िया स्प्रेड बना है। कलर भी कितना प्यारा आया है इसका, और इस जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो इस तरह से हम इसे ब्रेड पर लगाएंगे। ये हमारा ब्रेड स्प्रेड रेडी है। सैंडविच भी बना सकते हैं। तो हमारा सैंडविच भी रेडी है। बच्चे बहुत जैम भी खाते हैं, लेकिन ये हेल्दी है तो इसे आप जरूर बना के दे बच्चों को। तो हमारी ये रेसिपी रेडी है, कैरेट ब्रेड स्प्रेड। कैसा लगा आपको मेरा ये ब्रेड स्प्रेड? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। होली की शुभकामनाओं के साथ, थैंक यू।